तो आखिर मगध सम्राट जरासंध युद्ध के लिए चल ही पड़े। हाँ श्री कृष्ण, परंतु मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इस विनाशकारी युद्ध को कैसे रोकूं। युद्ध को रोकने का तो केवल एक ही मार्ग है नाना, कि हम भी स्वयं युद्ध भूमि में कूद जाएं। हाँ श्री कृष्ण, परंतु उसके लिए सैन्य बल की आवश्यकता होती है जो इस समय हमारे पास नहीं है। हाँ श्री कृष्ण, हमारी सेना को हटाकर कंस ने अपनी दानवी सेना बनाई थी जो उसके वध के पश्चात मथुरा छोड़ मगध जा भागी। श्री कृष्ण, तुम्हारे आने से पहले हमारे गुप्तचर प्रमुख हिरण्य यादव ने जो सूचना हमें दी है वो बहुत ही चिंतनीय है। क्या सूचना है गुप्तचर प्रमुख? तारणहार जरासंध मथुरा को ध्वंस करने के लिए अपनी विशाल सेना लेकर आगे बढ़ रहा है। गुप्तचर प्रमुख, किस मार्ग से आ रही है मगध की सेना? काशी से आगे बढ़कर प्रयाग से होते हुए यमुना नदी के किनारे किनारे चलते हुए मगध की सेना यहाँ पहुँचेगी। अभी कहाँ तक पहुँची है मगध सेना? काशी पहुँचने वाली है। और काशी से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? लगभग डेढ़ माह श्री कृष्ण। चिंता मत कीजिए नाना श्री, अभी हमारे पास समय है रणनीति को मजबूत करने के लिए। मैं मानता हूँ श्री कृष्ण, तुमने ही मथुरा को दानवों और असुरों से मुक्त कराया है, परंतु परंतु क्या नाना श्री? वे सब अकेले थे, परंतु यहाँ समूह है, सैन्य संघ। गुप्तचर प्रमुख, जरासंध के साथ अनुमानित कितनी सेना होगी? लगभग 20 अक्षौहिणी तारणहार। सेना इतनी विशाल है कि उसके चलने से उड़ने वाली धूल आधा योजन दूर से ही दिखाई पड़ती है। कैसी व्यवस्था है सेनापति? ये धूल भरा मार्ग चुना तुमने, इच्छा होती है कि तुम्हें भी इसी धूल में धूल बनाकर मिला दूं। क्षमा करें सम्राट, आपके शीघ्र आक्रमण के आदेश में हमने ये मार्ग चुना था और इस मार्ग से हम शीघ्र ही मथुरा पहुंच जाएंगे। शीघ्र पहुंच जाएंगे? ये वायु प्रवाह और ये धूल भरी आदि पहुंचने देंगे तब शीघ्र पहुंचेंगे ना? कष्ट के लिए भी क्षमा करें सम्राट, आप सेना के पीछे चले जाएं, वहां आपको धूल भी परेशान नहीं करे। क्या तुम्हें ज्ञान नहीं है कि पीछे चलने पर 20 अक्षौणी सेना के पैरों से उड़ने वाली धूल मेरी समाधि बना देगी? तुम्हारी इस भूल का दंड यही है सेनापति, कि तुम सेना के पीछे धूल फांकते हुए आगे बढ़ोगे और मैं सेना से आधा योजन आगे रहूंगा। जो आज्ञा सम्राट। विचित्र है मेरा सखा लड्डू गोपाल, इतनी बड़ी सेना आ रही है, मथुरा युद्ध के संकट से घिरा हुआ है और ये बिना चिंता के चैन से बांसुरी बजा रहा है। भय तो मानो इसके भीतर ही नहीं। भय कहीं बाहर नहीं होता सखा, जीव के भीतर ही होता है। जिस दिन तुम अपने भीतर के भय को जीत लोगे उस दिन भारत का कोई भी भय तुम्हें भयभीत नहीं करेगा। समाप्त हो जाएगा भारत का भय सदा सदा के लिए। मथुरा के मार्ग में ये पर्वत प्रदेश असंभव, ये कौन सा मार्ग है? तुम अवश्य ही गलत मार्ग पर चल रहे हो सेनापति। क्षमा करें सम्राट, मार्ग तो बिल्कुल सही है। यदि मार्ग सही है
तो ये पर्वत प्रदेश कहां से आ गया? मैं भी बहुत अचंभित हूँ सम्राट। तुम्हारा अचंभित होना ही मेरी समस्या का समाधान नहीं है सेनापति। मुझे शीघ्र मथुरा पहुंचना है, मृत्यु का तांडव मचाने।